सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है हम धरती के लाल। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें बताया गया है देश हमारा धरती अपनी हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, सुख सपनों से स्वर्ग गूंजेंगे, मानव की मेहनत पूजेंगे, नई कल्पना नई चेतना से कि हम लिए मशाल, समय को राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमसे कहना चाहते हैं कवि कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने देश के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए वो दिखाना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि देश हमारा, यानी ये देश जो है वो किसका है, हमारा ही तो है। और ये जो प्यारे बच्चों धरती है किसकी, ये भी हमारी है। और हम इस धरती के क्या है, लाल हैं। हम इसी धरती पर से क्या हुए, उपजे हैं, आए हैं। नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, यानी कि प्यारे बच्चों ये कहना चाहते हैं कि हम इस धरती पे नया संसार बसाएंगे और एक नया इंसान क्या करेंगे, बनाएंगे, जो कि सुख, जहाँ पे सुख के स्वप्नों से, यानी कि सुख का जो नींद मतलब कि जो सुख का स्वप्न होता है, सुख का जो आप लोग कह सकते हैं स्वप्न, मतलब जानते हैं ना, स्वप्न मतलब जानते हैं कि नहीं, ड्रीम यार, वही ड्रीम सपना। तो सुख के सपनों से यहाँ पे प्यारे बच्चों कहना चाहते हैं कि जो स्वर है वो क्या करेंगे, गूंजेंगे, और मानव जो है वो अपनी मेहनत से क्या करेंगे, पूजेंगे, यानी कि हर मानव अपनी मेहनत से जाना जाएगा। ये नहीं कि अरे वो राजा है, अरे राजा के घर है तो राजा के घर का है वो कैसे काम करेगा, काम तो हमें करना चाहिए ना। तो इस प्रकार की कोई भी भावना वहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। वो जो नया संसार होगा उसमें सभी लोग बराबर होंगे, ये नहीं कि वो राजा घर का है तो वो काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे मानव की मेहनत को हम लोग पूजेंगे, ना कि मानव के ऐशो आराम को। जैसे कोई ज़्यादा अमीर है तो हम लोग उसकी पूजा थोड़ी करेंगे, हम लोग उसकी पूजा करेंगे जो ज़्यादा मेहनत करता है। नई कल्पना नई चेतना की हम लिए मशाल, मशाल मतलब जानते हैं, अरे जो आदिवासी लोग होते हैं नहीं जंगल में, कभी नहीं रात को लोग जाते हैं तो अपने हाथ में एक ऐसे ही लिए रहते हैं, जलाते हैं, उसमें एक मशाल जलती रहे, इसी को हम लोग मशाल कहते हैं। जैसे गुफा में कभी कभी लोग जाते हैं तो नहीं, एक आग जला करके लेके जाते हैं, उसी को हम लोग मशाल कहते हैं। तो वही यहाँ पे कहना चाहते हैं कि नई कल्पना नई चेतना की हम लिए मशाल, समय को राह दिखलाएंगे, यानी कि हम लोग समय को राह दिखलाएंगे। समय जब बीतेगा तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एक नया वर्ल्ड क्रिएट करेंगे, एक नया संसार बनाएंगे, एक करेंगे हम जनता को, सींचेंगे समता ममता को। यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो जितनी भी जनता है उन्हें हम लोग क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। क्यों? क्योंकि एकता में बल है, इसीलिए हम सभी जनता को क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे और वहाँ पे सभी को समानता का भाव पढ़ाएंगे। नई पौध की लिए पहन कर जीवन की जयमाल। अब यहाँ प्यारे बच्चों कहना चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पे एक नया सा चीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। रोज़ त्यौहार मनाएंगे और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रोज़ खुशियाँ मनाएंगे। प्यारे बच्चों, त्यौहार इस बात का प्रतीक होता है कि यार मित्रता वहाँ पे बढ़ती है और शत्रुता वहाँ पे घटती है, ठीक है। त्यौहार इसी का तो प्रतीक होता है। त्यौहार के दिन क्या होते हैं, सभी लोग खुश होते हैं और वहाँ पे शत्रुता कम होती है, यानी कि सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं। वही बात यहाँ आप कहना चाहते हैं कि रोज त्यौहार मनाएंगे, यानी कि हम लोग त्यौहार को क्या करेंगे, रोज सेलिब्रेट करेंगे, पर डे सेलिब्रेट करेंगे, वहाँ पे कोई भी शत्रुता की भावना न रहे। इसलिए सौ सौ स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरस आएंगे और वो जो संसार होगा वो बहुत ही सुखद संसार होगा। वहाँ पे प्यारे बच्चों स्वर्ग जो होंगे, यानी कि स्वर्ग में क्या होता है, शांति रहती है और वहाँ का इन्वायरमेंट सबसे अच्छा होता है, तो वैसा इन्वायरमेंट हम भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल, नया भूगोल बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हम सभी चीज़ों को क्या कर देंगे, बदल देंगे। इस समय जितनी भी हमारे समाज में कुप्रथाएँ हैं, बुराइयाँ हैं, इन सभी को हम लोग क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, बदल देंगे और इनके स्थान पर एक नया संसार बसाएंगे। ओवरऑल प्यारे बच्चों यहाँ आप कहना चाहते हैं कि एक नया वर्ल्ड हम लोग बनाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमसे कहना चाहते हैं शील, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। यदि आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिल्कुल फ्री। तो मुझे उम्मीद है तक आप लोग कर दी होंगी, यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो। इससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कर दीजिए और हमारे चैनल पर विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है प्यारे बच्चों, वहाँ पर क्लिक कीजिए, ठीक। फिर उसके बाद आप लोगों को ढेर सारे ऐसे ही वीडियोज़ मिल जाएंगे हर चैप्टर को जो भी आपको पढ़ना हो, और उसे सेव कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपका खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।